हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिमली फ्रॉम रिमलीज गुवाहाटी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ स्टैंडिंग हार्ट केक। तो उसके लिए मैंने एक स्पंज लिया है हार्ट शेप का, काट लिया है, और अभी मैं ये है केक स्लाइसर, उससे इसका मैं दो स्लाइसेस करूँगी, दोनों अलग अलग होगा, ये देखिए। और वीडियो के बीच में मैं बता दे रही हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी ये देखिए, मैंने दोनों हार्ट को ऐसे काट लिया है, और ये है हार्ट स्टैंड। जो हम लोग केक स्टैंड करेंगे हार्ट को, वो ऐसा एक स्टैंड आता है जो आपको गुवाहाटी में बेकर्स मार्ट में मिल जाएगा। और इसका देखिए, बोथ साइड में ऐसे राउंड शेप का दो कटर्स है। तो उससे हम क्या करेंगे, पहले केक स्पंज को लेंगे, और लेने के बाद उसी से ऐसे शेप में होल कर लेंगे। मैंने 6 इंच का केक लिया है, और ऐसे बीच में उसको ऐसे कट करेंगे। तो कट करने के बाद उसको ऐसे नाइफ से हम अच्छे से इसको निकाल लेंगे राउंड शेप में, ये देखिए। और अभी मैंने ये विप क्रीम लिया है, आप कोई सा भी ब्रांड ले सकते हो। और इस विप क्रीम में मैंने थोड़ा सा इसमें क्रश ऐड किया है स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाने जा रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी, ये ओसोरो का है, मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी आप डाल सकते हैं, वनीला भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें फ्लेवर दिया है और स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, उसको पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ ऐसे। मैंने एक ग्लास में लिया है पाइपिंग बैग को, आप लोग जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप ले सकते हो। एकदम ही इजी वाला मेथड मैं दिखाने जा रही हूँ, उसको होल कर लेंगे। और अभी ये जो स्टैंडिंग हार्ट के लिए स्टैंड था, पहले मैं उसको टर्न टेबल में लूंगी और स्टैंड को ऐसे लगा लूंगी। उसके बाद पाइपिंग बैग से मैं इस स्टैंड के साइड्स में ऐसे क्रीम लगाऊंगी। और एक पैलेट नाइफ से इसको थोड़ा सा ऐसे प्लेन कर लेंगे, नीचे भी लगाएंगे ऐसे क्रीम बोथ साइड में। और अभी ये एक केक स्लाइस है, तो उसको मैं ऐसे लगा दूंगी, जो जहाँ पे होल किया था वहीं पे ऐसे लगाएंगे। और उसी तरह से मैं दूसरे साइड में भी क्रीम लगा लूंगी, और सेम प्रोसेस में उसी होल के अंदर मैं ये स्पंज, दूसरा वाला जो स्लाइस था, मैं उसको भी ऐसे फिक्स कर लूंगी। अच्छे से आप इसको ऐसे फिक्स कर लीजिए, ये देखिए ये हो गया है। और अभी मैं इसमें डालूंगी शुगर सिरप ऐसे स्प्रे करके। ये स्पंजी भी हो और थोड़ा सा जूसी भी हो और टेस्टी भी लगे। तो अभी मैं पूरा केक को एक क्रम कोट देने वाली हूँ, अभी मैं इसको क्रम कोटिंग करूँगी। बहुत मोटा लेयर नहीं चाहिए, जस्ट क्रम कोट ही चाहिए, तो इसको ऐसे मैं क्रम कोट दूंगी। और उसमें आप लोग अलग अलग कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। इसमें अभी तक मैंने कलर ऐड नहीं किया है, जस्ट क्रश ही दिया था, जो ये अंदर का लेयर है उसका एजेस ऐसे निकाल लेंगे अच्छे से।
देखिए हो गया है क्रम कोटिंग। और अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ परफेक्ट रेड कलर कैसे आपको मिलेगा। मैं ले रही हूँ मैजिक कलर का ये रेड व्हिप क्रीम रेड पाउडर कलर। अभी मैं इसको दिखाऊंगी कैसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हनी लूंगी थोड़ा सा और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नहीं तो डायरेक्टली अगर आप व्हिप क्रीम में करते हैं तो बहुत सारे लोग मतलब प्रॉब्लम का फेस करते हैं। ये प्रॉब्लम फेस मतलब मैं भी करती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ उसको। मैं जस्ट इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इट्स मतलब जैसे जेल कलर होता है ना, ये वैसे ही हो जाता है तब। अभी देखिए थोड़ा सा क्रीम मैं लेके भी दिखा रही हूँ आपको कैसे कलर आता है इसमें, रेड कलर, परफेक्ट रेड कलर। तो ये देखिए कितना अच्छा वाला रेड कलर आया है, ये देखिए सुपर रेड कलर। तो ये भी अब मैंने आप लोगों को ये टिप्स दे दिया है। अगर आप लोग व्हिप क्रीम में परफेक्ट रेड कलर लाना चाहो तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। और अभी इस कलर को ऐसे यहाँ पे व्हिप क्रीम में मिक्स कर लेंगे, तब ये जल्दी जल्दी मिक्स हो जाता है। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली पाउडर कलर यूज़ करोगे तो वो अच्छे से मिक्स होता ही नहीं कभी। अभी ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, तो ऐसे नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हो फॉर रेड कलर। तो अभी इसमें मैं नोज़ल वॉक करूँगी। मैंने N1 नोज़ल लिया है पाइपिंग बैग में और इसको धीरे धीरे सिंपल रोज़ेट वाला डिज़ाइन करेंगे। स्पेशली फॉर वैलेंटाइंस डे आप लोग ये बना सकते हो, बहुत ही परफेक्ट है उसके लिए। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही गॉर्जियस लुक्स आता है इसका, और सरप्राइज वगैरह भी आप लोग दे सकते हो। परफेक्ट रेड कलर आता है। तो आप लोग देख सकते हो कितना इजी है ये बनाने के लिए और कितना स्पेशल लगता है, और रेड कलर भी पूरा उभर के आया है, कितना खिला हुआ लग रहा है। इट्स रियली लुक्स वेरी गॉर्जियस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी वैलेंटाइंस के दिन पे ये बना सकते हो। ये देखिए रेडी हो गया ऑलमोस्ट, एक साइड बाकी है उसको भी हम लोग फिल कर लेंगे। तो ये रहा हम लोग का सुपर गॉर्जियस स्टैंडिंग हार्ट केक। तो ये आप लोग किसी भी ओकेजन में इसको आप लोग बना सकते हो, एनिवर्सरी के लिए बना सकते हो, इसको एंगेजमेंट के लिए बना सकते हो, और स्पेशली वैलेंटाइंस डे के दिन बना सकते हो। ऐसे आप लोग कोई भी टैग लगा सकते हो, मैं जस्ट दिखा रही हूँ आपको। आप लोगों को हैप्पी बर्थडे लगाना हो, लव लगाना हो, कुछ भी टैग आप लोग ऐसे लगा सकते हो, लेकिन गोल्डन में होने से ज़्यादा उभर के आता है। और मैंने थोड़ा सा ये गोल्डन स्प्रिंकल भी यूज़ किया है, आप लोग ये भी शुगर का है, आप लोग ये भी ऐसे दे सकते हो, तो और खिला हुआ लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी के लिए मेरा वीडियो इतना ही था, फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। बाय बाय।